सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो गाइस यार, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं FFIC यानी कि फ्री फायर के टूर्नामेंट के बारे में। तो ये वाला जो टूर्नामेंट है आज से स्टार्ट हो चुका है, आपको रजिस्टर करना है फिर खेल सकते हो। तो इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे खेलना है, क्या इसका टाइम रहेगा, क्या इसका प्राइस रहेगा, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और भी फ्री फायर के वीडियोस देखने के लिए नेशनल गेमर को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना। और गाइस, बहुत सारे बंदे कमेंट करते रहते हैं कि भाई फ्री डायमंड लेने के लिए कोई ऐप के बारे में बताओ। तो यहाँ पर आपको मैं एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। इस ऐप का नाम है पेटीएम फर्स्ट। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कोड पूछेगा, वहाँ पर आपको KTMFF डाल देना है। अगर आप KTMFF कोड यूज़ करोगे तो आपको 50 रुपये का बोनस मिल जाएगा। सिंपली कोड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन होगा, वहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। और गाइस, जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे आपके अकाउंट में 50 रुपये बोनस ऐड हो जाएगा। और गाइस, यहाँ पे फैंटेसी स्पोर्ट्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप अपनी टीम बना के खेल सकते हो और रियल कैश जीत सकते हो। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो और KTMFF कोड यूज़ कर लेना 50 रुपये के ज्वाइनिंग बोनस के लिए। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स दी हुई है उसके बारे में। तो आपके गेम का लेवल जो है 40 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 40 लेवल से ऊपर आपका अकाउंट का लेवल होना चाहिए। और आपका जो रैंक है वो डायमंड 1 से ऊपर होना चाहिए, जो भी नॉर्मल रैंक होता है वो डायमंड 1 के ऊपर होना चाहिए इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करने के लिए। अगर आपका 40 से लेवल ऊपर है और डायमंड 1 से रैंक ऊपर है तो इसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर कैसे करना है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। सो गाइस, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 4 दिन का टाइम मिलता है, 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आप रजिस्टर कर सकते हो अपनी टीम को। और उसके बाद आपको 16 तारीख को मैच खेलना होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप अपनी टीम सकते हो, कैसे ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपको FFC यानी कि फ्री फायर कब का ऑप्शन मिल जाता है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर राइट साइड वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, यानी कि FFIC को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग सून 4 डेज, यानी 4 दिन बाद जो है पहला मैच होने वाला है उसको आपको ज्वाइन करना है। लेकिन उसके लिए आपको टीम बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको नीचे स्क्वाड का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप इजीली अपनी टीम बना सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैंने क्लिक कर लिया। फिर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला है क्रिएट का और दूसरा है ज्वाइन का। अगर आप क्रिएट पर क्लिक करोगे तो आप अपनी टीम बना सकते हो, और अगर आपके किसी दोस्त ने टीम बना रखी है उसको ज्वाइन करना है तो आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले कि अपनी टीम का नाम डालना है, फिर यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, यानी अपना व्हाट्सएप नंबर या कुछ भी दे सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कंट्री है सिंपली यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपको सिंपली अपना अवतार और बैनर सिलेक्ट करके ओके कर देना है। सो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको अपनी टीम क्रिएट करनी है, यानी अपनी टीम बनानी है। और उसके बाद जो है आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि आपकी टीम को ज्वाइन कर लेगा। ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन अगर आपने टीम बनाई तो आपके जो टीममेट्स है यानी जो भी आपके फ्रेंड्स है उसको सिंपली ज्वाइन करना होगा, उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन है, उस पर सबसे पहले क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपके जिस फ्रेंड ने टीम बनाई है उसके पास में अप्लाई का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर सिंपली क्लिक करके उसके टीम को आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। यानी अगर आपने टीम बनाई है तो आपके फ्रेंड को बोलना है, सिंपली यहाँ से अप्लाई का बटन दबाएगा और आपके अंदर जो है इनवाइट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से भी आप इनवाइट कर सकते हो। बाकी यहाँ से अप्लाई करेगा तो आपके अंदर ओके का ऑप्शन आएगा, तो उसका नाम दिखेगा, ओके कर देना और वो जो है आपका फ्रेंड आपकी टीम में इजीली ज्वाइन कर लेगा। सो गाइस, यहाँ पर एक टीम के अंदर 5 प्लेयर का ऑप्शन मिलता है, यानी कि 4 नहीं पूरे 5 प्लेयर को आप ऐड कर सकते हो। एक तो आप खुद हो गए, बाकी आप 4 फ्रेंड को ऐड कर सकते हो, टोटल 5 बंदे हो जाएंगे। यहाँ पर एक बंदा एक्स्ट्रा होता है ताकि अगर एक बंदे का नेटवर्क चला जाए, कुछ भी इशू हो, तो वहाँ पर आप जो है लास्ट वाले बंदे का यूज कर सकते हो। सो गाइस, जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे आपको यहाँ पर 8 टोकन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी आपको करना क्या है, सिंपली 8 मैच खेलना है, जो भी आपके फ्रेंड्स है, जो भी आपकी टीम के अंदर है उनके साथ। और ये जो है आपको 16 तारीख को खेलना है, शाम के 4 बजे से रात के 9 बजे तक। इसके बीच में आपको सिंपली 8 मैच खेलना है। लेकिन गाइस, यहाँ पे एक बात को याद रखना, जो भी आपके टीम के मेंबर है उन्हीं के साथ खेलना है, किसी के और के साथ आप नहीं खेल पाओगे। आपको सिंपली क्या करना है, एक स्क्वाड बनाना है और वहाँ पे आपको FFC कप का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आपको उस वाले मोड को सिलेक्ट करना है, वहाँ पे आपको 8 मैच खेलना है। और गाइस, अगर आप 4 बंदे हो तो ही खेल पाओगे, अगर आपका एक भी मेंबर नहीं है तो आप नहीं खेल पाओगे। इसलिए आपको 5 मेंबर को ऐड करना है, उनमें से किसी भी 4 मेंबर को एक साथ में खेलना है। और यहाँ पे इसी तरीके से आपको सिंपली खेलते रहना है और आपको 8 मैच खेल के अपने पॉइंट बनाने हैं। अब यहाँ पे कितने पॉइंट मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप स्कोर टेबल देख सकते हो। अगर आप बुया करोगे तो आपको 20 पॉइंट मिलेगा, अगर आप सेकंड आओगे तो 17 पॉइंट मिलेगा, थर्ड आओगे तो 15 मिलेगा। इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो।
बाकी अगर आप एक किल करते हो तो उसके ऊपर आपको 2 पॉइंट मिलेगा, और अगर आपकी टीम में से कोई भी बंदा गेम को बैक कर लेता है गेम में जाने के बाद तो उसका 10 पॉइंट माइनस हो जाएगा, तो पेनल्टी पड़ेगा 10 पॉइंट का, यानी बुआ करो तो 20 पॉइंट, और बाकी सारे पॉइंट आप देख सकते हो। एक किल यानी आपकी टीम में से कोई भी बंदा अगर किल करेगा तो पर किल आपको 2 पॉइंट मिलेगा, और अगर कोई भी बंदा गेम को बैक करेगा आपकी टीम में से तो 10 पॉइंट आपका माइनस हो जाएगा। सो गाइस कुछ इस तरीके से ये पूरा टूर्नामेंट चलेगा, और यहाँ पे जो भी टॉप की टीम होगी जिसने भी सबसे ज़्यादा स्कोर किया होगा ऐसी टीम को यहाँ पे चांस मिलेगा आगे जाने का, फिर आगे का राउंड खेलना पड़ेगा, उसके बाद भी और बहुत सारे राउंड होंगे, फिर यहाँ पे लास्ट में फाइनल होगा, और इस तरीके से पूरा टूर्नामेंट चलेगा। तो ज़ोर से ट्राई करना कि आप भी टॉप टीम में आ जाओ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का ट्राई करना, बुआ भी करना, किल भी करना। बाकी अगर आपको कोई भी और सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, कोई भी बड़ा सवाल है तो ज़ोर से मैसेज कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नेशनल गेमर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ऐसे और भी फ्री फायर के वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देम टेक केयर, गुड बाय।